शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्मार्थ दवाखाना, साई गुलाब बाबा आई केयर सेंटर नागपुर, सोमवारी क्वार्टर और विश्व शांति सेवा समिति नागपुर की ओर से बीपी शुगर पेशेंट को दवाइयों का वितरण किया गया। धर्मार्थ दवाखाना, साई गुलाब बाबा आई केयर सेंटर नागपुर, सोमवारी क्वार्टर नागपुर और विश्व शांति सेवा समिति नागपुर, इनके संयुक्त तत्वावधान में बीपी शुगर के पेशेंट को दवाई का वितरण किया गया। कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो दवाई खरीद नहीं सकते थे, ऐसे जरूरतमंद पेशेंट को भी दवाई का वितरण किया गया। इसके पहले भी इस संस्था द्वारा कई बेसहारा, गरीब और जरूरतमंदों को अनाज किट का वितरण किया गया था और निःशुल्क इनके आँखों की जाँच भी की गयी थी। इस संस्था द्वारा कई ऐसे सामाजिक कार्य डॉक्टर संजय लहाने इनके मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं, जिसका परिसर के नागरिक लाभ उठा रहे हैं। इस बारे में डॉक्टर संजय लहाने इन्होंने इन विषय समक्ष जानकारी दी। सार्थक बोधिशी संस्था धर्मार्थ दवाखाना सोमवारी कोठर इथून आमच्या सार्थक बोधिशी संस्था आणि विशेष करून हेल्पेज इंडिया जे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कार्य करते, पूर्ण देशभरात ते सतत कार्य सुरू आहे आणि या कोरोनाच्या काळात सुद्धा पण जे कोरोना वॉरियर्स आपण म्हणतो असे हेल्पेज इंडियाची जी पूर्ण समूह आपल्या या सार्थक उद्देश संस्थेच्या अंतर्गत आम्ही त्यांच्यासाठी बीपी शुगरच्या औषधाचा उपकरण सुरू केला आहे। यासाठी मी सर्वात मोठा धन्यवाद। संस्था के शिबिर से कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ संजय मिरे, इन बीसीएन न्यूज नागपूर।